Write statements that assign random integers to the variable n in the following ranges. नीचे रेंज दी गई है n के लिए और उन रेंजेज में हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और इंटीजर्स जनरेट करने हैं. तो पहली रेंज है 1 < n < 2, मतलब इनिशियल नंबर 1 होना चाहिए और इसकी विड्थ 2 है. दूसरा है 1 < n = 100, इनिशियल नंबर 1 है एंड शिफ्टिंग पैरामीटर 1 है एंड विड्थ 100 है. नेक्स्ट है 0 < n = 9, यहाँ शिफ्टिंग पैरामीटर 0 है और जो विड्थ है वो 10 है, क्योंकि 0 और 9 दोनों इंक्लूड हैं, इसका मतलब 10 है. नेक्स्ट है इनिशियल नंबर 1000 है और शिफ्टिंग पैरामीटर 1112 फाइनल नंबर है, मतलब शिफ्टिंग पैरामीटर 113 हो गया. उससे नेक्स्ट है -1 > n > 1, यहाँ पर -1 और 1, तो शिफ्टिंग पैरामीटर -1 है और विड्थ है वो 3 है. नेक्स्ट है -3 > n > 11, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू या शिफ्टिंग पैरामीटर -3 है, मतलब यहाँ -3 से स्टार्ट करना है और टोटल नंबर 15 है, क्योंकि -3 - 2 - 1 = 0 और 11 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो टोटल 15 नंबर्स इसकी विड्थ है 15. अब तो हम इनके आंसर्स देखते हैं. तो ठीक इसी तरह से पहले मैं n = 1 + rand % 2, 1 इसका शिफ्टिंग पैरामीटर है, 2 इसकी विड्थ है. दूसरे में 1 शिफ्टिंग पैरामीटर है एंड रेड इसकी विड्थ है. तीसरे में 0 शिफ्टिंग पैरामीटर है, तो 0 ऐड ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 विड्थ है. चौथे में 100 इसका शिफ्टिंग पैरामीटर है और 113 इसकी विड्थ है. पांचवे में -1 शिफ्टिंग पैरामीटर, 3 इसकी विड्थ. छठे में या लास्ट में -3 शिफ्टिंग पैरामीटर और 15 विड्थ है. इसलिए जो यहाँ दिखाया गया उस तरह से यहाँ पर इनको लिखेंगे. राइट सिंगल स्टेटमेंट दैट विल प्रिंट ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द सेट. ये एक सेट दिए गए हैं, इनमें से कोई रैंडम नंबर, इनमें से रैंडम नंबर्स प्रिंट करे, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना है. तो पहला 2, 4, 6, 8, 10, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 रैंडम नंबर जनरेट करें और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा. 3, 5, 7, 9, 11, इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 रैंडम नंबर जनरेट करें और 1 उनको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से शिफ्ट कर दें. नेक्स्ट है 6, 10, 14, 18, 22, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 शिफ्टिंग पैरामीटर्स रैंडम नंबर जनरेट करें, उनको 4 से मल्टीप्लाई करें एंड 2 ऐड कर दें. तो देखते हैं, पहले में हम 2, 4, 6, 8, 10 को 2 times 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं. तो नंबर जो जनरेट करेंगे वो 2*1+rand % 5, rand % 5 इसकी विड्थ 5 है, शिफ्टिंग पैरामीटर 1 है और बाद में जो नंबर जनरेट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट है 3, 5, 7, 9, 11, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times 1, 2, 3, 4, 5 + 1, तो ऊपर वाले में प्लस 1 ऐड कर देंगे, जिसको हम 3+rand % 5 * 2 लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखें तो इसको हम इसी तरह से 6+rand % 4, 5*4 लिख सकते हैं. स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं? ईच आइडेंटिफायर, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ईच आइडेंटिफायर इन ए प्रोग्राम हैज द एट्रीब्यूट्स स्टोरेज क्लास, स्टोरेज ड्यूरेशन, स्कोप एंड लिंकेज. तो जो भी आइडेंटिफायर है, वो कोई भी आइडेंटिफायर है, कोई वेरिएबल नेम है या कोई वेरिएबल है, वो किस तरह के स्टोरेज, मतलब किस तरह से उसको हम समझें, तो वो कोई स्टोरेज क्लास का वेरिएबल हो सकता है, उसका एक ड्यूरेशन हो सकता है जिस टाइम तक वो वैलिड रहे, उसका कुछ स्कोप हो सकता है कि ये इस फंक्शन में वैलिड है या इस पोर्शन में वैलिड है या
इस स्कोप मतलब ये एक यहाँ स्टार इसको डिक्लेयर किया और यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम कहीं भी प्रोग्राम में बता सकें वहाँ तक वैलिड है। एंड लिंकेज मतलब ये कहाँ पर कहाँ कहाँ ये वैलिड है उसके लिए है स्कोप लिंकेज। तो एक कोई भी आइडेंटिफायर है वो चार तरह के एट्रीब्यूट रख सकता है, जो है स्टोरेज क्लास, स्टोरेज ड्यूरेशन, स्कोप एंड लिंकेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए सी, सी प्रोवाइड्स फोर स्टोरेज क्लासेज इंडिकेटेड बाय द स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स ऑटो रजिस्टर एक्सटर्न एंड स्टैटिक। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम देखें तो सी प्रोग्रामिंग है वो चार तरह के स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर हमें देती है। ऑटो, मोस्टली ऑटो हम किसी भी वेरिएबल को ऑटो मान सकते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर है ये अब पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, ये प्रेजेंटली काम में नहीं लेते। एक्सटर्न जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके लिए जो काम में लेते हैं स्टोरेज क्लास, उसको हम एक्सटर्न भी लिख देते हैं कई बार या एक्सटर्न कह देते हैं। और स्टैटिक जो हम स्टैटिक वेरिएबल्स लेते हैं, स्कोप रूल में हम इनको पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं इनको ऑलरेडी, स्कोप रूल्स जहां वीडियो पीछे देख लें। एंड आइडेंटिफायर स्टोरेज ड्यूरेशन इज व्हेन द आइडेंटिफायर एग्जिस्ट इन द मेमोरी। अब ये है कि कोई आइडेंटिफायर है उसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो आइडेंटिफायर मतलब एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम मेमोरी डिस्क पे लिखते हैं, तो वो वैल्यू उस मेमोरी डिस्क पे कब तक स्टोर रहेगी उसको कहते हैं स्टोरेज ड्यूरेशन। तो कोई भी वेरिएबल जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट होकर वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में स्टोरेज ड्यूरेशन नहीं रहता है, वो मेमोरी से वेरिएबल डिलीट हो जाता है। तो ये मैक्सिमम स्टोरेज ड्यूरेशन है। कुछ उससे हम फाइल में लिख दें, कुछ आउटपुट में लिख दें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोकल प्रोग्राम में वेरिएबल है उसका ड्यूरेशन सिर्फ उतना ही रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मैक्सिमम हुआ है। अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनका सिर्फ बहुत, उसमें भी बहुत छोटे टाइम के लिए स्टोरेज होता है। कुछ वेरिएबल होते हैं जैसे किसी फंक्शन को हमने कॉल किया तो फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है वो जब तक फंक्शन रन हो रहा है तब तक है, जब फंक्शन को हम दोबारा कॉल करते हैं तो वो वैल्यू को ओवरराइट कर लेता है। तो वो टाइम जब तक कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, उसकी वैल्यू चेंज हम करें वो अलग बात है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए या प्रोग्राम उसकी वैल्यू को भूल जाए, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन, कि इतने टाइम के लिए ये प्रोग्राम, ये वेरिएबल प्रोग्राम में काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज ड्यूरेशन। थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको देखें हम कंप्यूटर के हिसाब से। तो स्टोरेज स्पेसिफायर है ऑटो, तो इसका स्टोरेज प्लेस है सीपीयू मेमोरी। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या होती है, तो हम ऑटो में, ऑटो मतलब जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सारे ऑटो में आते हैं, तो उनको इनिशियल वैल्यू, यदि हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं सीधा प्रिंट करें तो कोई भी गार्बेज वैल्यू उनकी इनिशियल वैल्यू होती है, मतलब कोई भी नम वैल्यू आ सकती है। अपना कंप्यूटर नया है तो हमें मोस्टली जीरो मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर पुराना बहुत लोगों ने काम में ले लिया तो वहाँ हमें कोई भी गार्बेज वैल्यू, उसकी कोई भी रैंडम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मेमोरी में कौन सी लोकेशन पे, लोकेशन इस वेरिएबल को मिली है वहाँ पर वो वैल्यू जो है वो ही मिल जाएगी। ये कुछ इस तरह से है जैसे हमें एक पुराना घर मिला है, अब घर नया है हो सकता है साफ सुथरा हो लेकिन पुराना है तो उसमें कितना भी कचरा और सफाई, हम कचरा हो सकता है, हमें सफाई करनी पड़ सकती है, तो वो है गार्बेज। इसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन, सीपीयू की मेमोरी में कोई वेरिएबल को लोकेशन मिली है, घर मिला है कि यहाँ पर ये स्टोर होगा, और इस तरह से वो वेरिएबल है उसको जो वैल्यू मिली है तो उस लोकेशन पे बाइट्स की क्या पोजीशन है, 0 1 1 0 जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर बना लेगा, तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। इसका स्कोप क्या है, लोकल जहाँ इसको डिक्लेयर किया जाता है उसी स्कोप में ये रन होता है, मतलब जहाँ इसको डिक्लेयर किया है उससे जस्ट पहले कौन सा कर्ली ब्रेसेज है और उसके जस्ट बाद में कौन सा कर्ली ब्रेसेज है, ये इसकी लिमिट होती है, उसी में ये लोकल काम करता है, उसके बाहर इसका कोई मीनिंग नहीं है। लाइफ विद इन द फंक्शन ओनली, तो जिस फंक्शन में इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यूज किया जा रहा है सिर्फ उसी में इसकी लाइफ होती है, उसके बाहर उस वेरिएबल को कोई नहीं पहचानता, सिर्फ उस फंक्शन में।
एक ही प्रोग्राम में कई फंक्शंस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मेन फंक्शन जो कि डिफॉल्ट है, एक्सटर्न है, ये भी सीपीयू की मेमोरी में स्टोर होता है। इसको इनिशियल वैल्यू जीरो होती है, इसको हम इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। और इसका स्कोप है ग्लोबल, ग्लोबल मतलब प्रोग्राम जब तक रन हो रहा है तब तक ये वेरिएबल रहेगा, हर जगह रहेगा। और लाइफ टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, वेरिएबल डेफिनेशन माइट बी एनीवेयर इन दिस ई प्रोग्राम। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी जो लाइफ है वो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब तक ये रहेगा, ये ग्लोबल वेरिएबल है। और इसको कहीं भी चाहे प्रोग्राम सी प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन किया हो, कहीं भी इसको वैल्यू असाइन की हो, लेकिन इसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहेगी जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है। स्टेटिक है, ये भी सीपीयू मेमोरी में स्टोर होता है, इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है। और स्कोप इसका लोकल होता है, इसका लोकल स्कोप होने का मतलब है जो ऑटो का स्कोप लोकल है और इसका स्टैटिक का स्कोप लोकल है, इसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन है उसमें एक बार वैल्यू स्टोर हो गई है तो ये इसको बार बार डिक्लेयर नहीं करता है, दोबारा कॉल आएगा तो ये पुरानी वैल्यू लेगा। तो इस हिसाब से इसका स्कोप है वो ऑटो से थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब स्कोप लोकल रहा लेकिन लाइफ इसकी थोड़ी अलग हो जाती है। और वो है रिटेन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, मतलब एक किसी फंक्शन में कोई स्टैटिक वेरिएबल है, अब उस फंक्शन को जितनी बार कॉल किया जाएगा वो वैल्यू रिटेन रखेगा। यदि फंक्शन को कॉल नहीं किया गया तो इसका लाइफ खत्म है, लेकिन फंक्शन को फिर दोबारा कॉल किया जाता है तो ये फिर वैल्यू रिटेन रखेगा। लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं है, ऑटो वेरिएबल जो है जो डिफाइंड होते हैं उनमें वो वैल्यू ये रिटेन नहीं रखता है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, रजिस्टर मेमोरी, यहाँ ये सीपीयू मेमोरी नहीं है, रजिस्टर मेमोरी है। और इसमें इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, इसकी स्कोप इसका लोकल है और ये सिर्फ फंक्शन में ही काम करता है।